अब आपके कंधे पर सितारों की जिम्मेदारी है हमारी ज्वाइन ऑनलाइन वेंचर्स डिफेंस नाउ जय हिंद वॉरियर्स वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स वी आर बैक विद वन मोर लाइव सेशन इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइव सेशन इसमें करंट अफेयर्स हम करेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है सी ए पी एफ सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन एन डी एफ कैट एग्जामिनेशन इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्दी से जल्दी एवरी वन शेयर दिस लिंक विद ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स और जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ देन विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट टू मिनट्स गुड इवनिंग सोनल वर्मा आई कैन नॉट सी मच पीपल हेयर एवरी वन जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का दबा दो जिससे कि यू विल बी गेटिंग एवरी अपडेट एंड एवरी लेटेस्ट थिंग्स अबाउट द डिफेंस एग्जामिनेशन गुड इवनिंग अशोक शर्मा गुड इवनिंग एवरी वन जल्दी जल्दी जुड़ जाओ शेयर कर दो लिंक को गुड इवनिंग ठाकुर गुड इवनिंग सोनाली वर्मा गुड इवनिंग नो सोनाली अभी कासिफ सर की जो हेल्थ है इट इज नॉट गुड सो सर वुड बी ज्वाइनिंग यू सून टिल द टाइम आई वुड बी टेकिंग यूर करंट अफेयर सेशन सो so, प्लीज uh, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ एंड विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट टू मिनट्स गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग ओनम ओके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि आपको ऑनलाइन बेंचेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है यू कैन गो टू द प्ले स्टोर एंड डाउनलोड एप्लीकेशन जिसमें कि यू विल बी गेटिंग ई बुक्स प्लस All the content as well as PDF related to defense examination, even you'll be getting SSB key ebooks which are prepared by recommended candidates and the army officers. Juno preparation, usme, tat, SRT, SDT, lectureate key, every ebook is available. Jinonbi CDS ka exam nikolai they can go go to the uh, online benches application and download the ebook so that you can start your SSB preparation from now onwards. So, first current affair for today's session is. न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में एक नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है बटरफ्लाई की दिस इज दर्स्ट टाइम दैट अ बटरफ्लाई स्पीशीज वॉज डिस्कवर्ड बाई एन ऑल इंडियन रिसर्च पहली बार सिर्फ इंडियन रिसर्च ने कोई बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर करी है वेस्टर्न घाट में द स्पीशीज नाउ हैव बीन एडेड इन टू एक्सपेंडिंग लिस्ट ऑफ बटरफ्लाईज अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इसकी इसका नाम क्या है और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको क्या क्या चीजें याद रखने वाली है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट गुड इवनिंग मनीषा गुड इवनिंग जल्दी जल्दी शेयर कर दो यार लिंक को सो दैट एवरी एस्पिरेंट कैन ज्वाइन न्यू टैक्सन ऑफ लाइकनेड बटरफ्लाई हैज बीन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स इन द वेस्टर्न घाट द टैक्सन बिलोंग्स टू Nakaduba genus. This is the thing that you need to remember. Nakaduba genus se and it was cited by specialist team. Specialist team thi scientist ki jinhone The discovery not only add new species to India's butterfly fauna, but also that the Western Ghats and Kerala. Western Ghats or Kerala ko bhi ye new species add hui hai. The name of the butterfly species was suggested as Rama Swami's six-line blue and Ceylon's. ली मतलब जिन्होंने इसको डिस्कवर किया उनके नाम पे इसका नाम रखा गया यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम रामास्वामी सिक्स लाइन ब्लू एंड सिलोन्स वेरायानी ली विली नेक्स्ट इज द लाइन ब्लू आर स्मॉल बटरफ्लाईज बिलोंगिंग टू सब फैमिली लेनाकेड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिज फ्रॉम इंडिया एंड श्रीलंका मतलब ये जो स्पीशीज है ये वेस्टर्न घाट से लेके श्रीलंका तक जाती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो बटरफ्लाई स्पीशीज हैव हेरी ये चीज यू नीड टू रिमेंबर कि इसकी जो uh, चीजें हैं जो जिसकी वजह से ये अलग है दैट इज इट हैज हेरी आईज एंड 11 और 12 फोर विंग्स मेल विंग्स विद पर्पल ग्लॉस ऑन द अपर साइड एंड अंडर साइड ऑफ द बोथ सेक्सेस विद डल व्हाइटिस्ट स्ट्राइप्स हमेशा ये होता है कि बटरफ्लाई इज आर नोन फॉर देयर कलर्स तो इसमें भी क्या है दे हैव दे पर्पल ग्लॉस ऑन दी अपर साइड ऑफ द विंग्स एंड जी लोअर साइड है दैट इज डल वाइटिश स्ट्राइप्स सो थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि क्या क्या इसका नाम रखा है रामास्वामी सिक्स लाइन ब्लू एंड सिलॉन्स वरानिली कहां पर डिस्कवर हुआ है वेस्टर्न घाट में डिस्कवर हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन किसी साइंटिस्ट ने एक नई स्पीशीज डिस्कवर करी है तो दीज आर दी की पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से सुनते रहना लास्ट में विल बी हैविंग काइंड ऑफ क्विज मॉक टेस्ट जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक लास्ट में क्वेश्चन आर देयर नेक्स्ट करंट अफेयर इज फॉरेस्ट गवर्नेंस बाई इंडिजीनस एंड ट्राइबल पीपल वट इज दिस दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज न्यू रिपोर्ट टाइटल्ड फॉरेस्ट गवर्नेस बाई इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल हैज बीन रिलीज बाई दूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया था दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एफ ए इसने इसको रिलीज किया है एंड द फंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ लेटिन अमेरिका एंड करेबियन फिलैक एफ आई एल ए सी तो इफ क्वेश्चन इज आज की फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स जो है इसको किसने रिलीज किया है रिपोर्ट को इसको रिलीज किया एफ एओ एंड एफ आई एल ए सी ने इसको रिलीज किया है एग्जैक्टली दिस इज द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट वट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर द डिफॉर रेट इन द करेबियन एंड लेटिन अमेरिका आर लोअर इन इंडिजिनियस एंड ट्राइबल टेरिटरीज़ अब डिफॉरेस्ट डिफॉरस्टेशन जो रेट uh, है वो करेबियन एंड लेटे लेटिन अमेरिका में क्या है एज कंपेयर टू ट्राइबल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल जो टेरिटरीज है उसके मुकाबले में वहां पे कम है इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स एंड द फॉरेस्ट इन दे टेरिटरीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रीजनल ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एज वेल एज फाइटिंग अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन बिकॉज अगर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके वहां पर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो दे के नॉट सर्वाइव इसलिए forest hona it is very important for these people as per one of the studies and analyzed in fao and filac report the deforestation rate inside indigenous woodland where the land property has been insured is 2.5 times lower than outside such as brazil 2 times less in colombia and 2.8 times in bolivia around 45% of the intact forest in amazon bases, basin are present in indigenous territories

वट इज दिस द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी डी एस सी ए पी एफ एन यूपीएससी सी एस सी प्री के हिसाब से ये थे दिस न्यूज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ध्यान रखना इसका नाम क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पी एल आई एस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम For the food processing industry, it is for food processing industry with an outlay of 10,900 crore ka iskeliya. Outlay nikala hai central government. Let's see the key points. What are the things that we need to remember? The aim of scheme is to strengthen select Indian brand of food products for global visibility. मतलब जो इंडियन ब्रांड्स है पतंजलि हो गया डाबर हो गया उनकी ग्लोबल जो विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए जो है स्कीम निकाली गई है सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इससे क्या होगा इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट भी होगी अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑफ फार्म जॉब्स इंश्योरिंग रेमरेटिव प्राइजेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड हायर इनकम टू फार्मर्स तो मोस्टली चीजें क्या होती है समटाइम दीज थिंग स्कीम्स आर ओनली ऑन पेपर जब वे वी, वी सी इन प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल में कुछ ये इंप्लीमेंट होता ही नहीं है अभी तक नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव द स्कीम वुड कवर रेडी टू ईट रेडी टू कुक मरीन प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल्स एंड मोजरेला चीज तो ये सब चीज चीजें जो है इसमें कवर होंगी ध्यान रखना क्या चीजें इसमें रेडी टू ईट रेडी टू कुक मरीन प्रोडक्ट्स आर देर प्रोसेस्ड फूड एंड वेजिटेबल्स आर देयर मोजरेला चीज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सच एज पोल्ट्री मीट एग प्रोडक्ट free-ranging eggs are also included remember is can the alcoholic products are not included next important point that you need to remember is scheme is a fitting tribute to farmers and it will be helpful in generating employment for 2.0 lakh people jo ki again it is only in papers the scheme would also lead to addition export of 30,000 crores to 35,000 crores Export say itna zada रेवेन्यू जो है जनरेट होगा क्लियर एवरी वन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम व्हाट इज दिस दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एग्जाम डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एमरजेंसी लाइन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वॉट इज दिस this scheme is expected to provide credit to sector at low cost, thereby enabling msmes to meet their operational liabilities and restart their business. madhav unko credit limit provide so that they can start their own business. let's see what are the key points. the government on wednesday extended 3 lakh crore emergency credit line guarantee scheme by another 3 months till june 30 and also widened its scope to new sectors including hospitality, किस चीज के लिए यह भी याद रखना हॉस्पिटैलिटी ट्रेवल एंड टूरिज्म इट विल इट वुड प्रोवाइड एक्सटेंडिंग क्रेडिट फॉर अपू फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल क्रेडिट कितना प्रोवाइड करेगा ये इट विल प्रोवाइड फोर्टी परसेंट ऑफ टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अक्रॉस ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एज ऑन फेब्रुवरी ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट द टेन ऑफ लोन्स गरेंटेड अंडर दिस स्कीम वुड बी सिक्स कितने साल के लिए लोन प्रोवाइड करा जाएगा दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर छ साल के लिए इंक्लूडिंग अ मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ टू ईर्स मॉरेटोरियम पीरियड जो है इसमें दो साल का होगा वेलिडिटी ऑफ दिस स्कीम हैव बीन एक्सटेंडेड अपन थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन और टिल गारंटीज फॉर एन अमाउंट ऑफ थ्री लाख करोड़ आर इन इशूड द मिनिस्ट्री सेट द लास्ट डेट ऑफ डिसबर्समेंट अंडर द स्कीम

दिस इज हाउ यू नीड टू सिलेक्ट द की पॉइंट एंड रिमेंबर फॉर फॉर यूर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज वहां पर क्या होगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ऐसे क्वेश्चन आएगा नीचे आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड यू नीड टू मार्क की कौन कौन से सही है तो इफ यू नो दै क्या चीज ये तो यू कैन इजिली मार्क दोज क्वेश्चन ओके गुड मिर दोबारा सुन लो फिर अगर uh, पहले से इफ यू नो दिस थिंग नेक्स्ट क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग द सेंटर हैज डिसाइडेड टू रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर फोर परसेंट कितना उन्होंने डिसाइड चार परसेंट तक उन्होंने डिसाइड किया इसको रखने का विद टॉलरेंस बैंड ऑफ प्लस वन टू टू परसेंटेज पॉइंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आर ऑफ अपकमिंग फाइव ईयरस तक कितना उन्होंने रखा है प्लस टू ईयर माइनस टू तक ये होना चाहिए ओके 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 सो वट आर द की पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर फर्स्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ मॉनिट्री पॉलिसी इन विच सेंट्रल बैंक सेट्स अ स्पेसिफिक टारगेट फॉर मीडियम टर्म इन्फ्लेशन रेट एंड डिक्लेयर्स द टारगेट फॉर इन्फ्लेशन टू द जनरल पब्लिक तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है इट इज अ मॉनिट्री पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक है वो सेट करता है एक स्पेसिफिक टारगेट फॉर अ मीडियम टर्म इन्फ्लेशन के लिए एंड डिक्लेयर्स करता है फिर जो टारगेट उन्होंने पब्लिक के लिए असाइन किया होता है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट मोस्टली द मॉनेटरी पॉलिसी कैन सपोर्ट इकोनॉमी लॉन्ग टर्म ग्रोथ बाई कंजर्विंग प्राइस स्टेबिलिटी अगर हम प्राइस स्टेबिलिटी को बचा के रखें कंजर्व करके रखें तो वी कैन इंक्रीज द कस्टमर सपोर्ट द सेंट्रल बैंक यूजेज इट्स प्राइमरी शॉर्ट टर्म मॉनिटरी वेपन द इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक है वट हीज इट यूजेज शॉर्ट टर्म मॉनिटरी वेपन जो की है उनका इंटरेस्ट रेट यूज करते हैं वो लोग Third point: This is a flexible inflation targeting framework in India. After 2016 amendment to the RBI Act, so this is flexible inflation targeting framework. After 2016 RBI Act, ke ba, this is the thing that they have launched. Again, important point: Canada, UK, New Zealand were the first three countries to introduce full-fledged inflation targeting in the early 1990s. अगेन दिस इज की पॉइंट दै कौन कौन सी नाइनटी में किया था इसको अगेन यू नीड टू रिमेम्बर वेरी क्या हो गया इसमें ये तो है कैनेडा न्यूजीलैंड एंड यूके सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर की पहली बात तो इसको कौन करेगा स्पेसिफिक टारगेट सेंट्रल बैंक करेगा इसको ठीक है ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद क्या है इसमें जो फ्लेक्सिबल ये इन्होंने टारगेट किया है जो लॉन्च किया है आफ्टर 2016 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है आरबीआई का उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया है कौन कौन सी कंट्रीज थी जिसने इसको लॉन्च किया था सबसे पहले कनाडा था न्यूजीलैंड था एंड यूके था सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस न्यूज इस न्यूज के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइप से यू नीड टू सेलेक्ट अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जितने भी यहाँ डिफेंस एस्पिरं है एस एस बी एस्पेरेंट्स है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये इंडियन आर्मी हैज़ क्लोल्ड इस मिलिट्री तो जितने भी इंडियन आर्मी के जो मिलिट्री फार्म्स होते थे कैंट में जहाँ से वो मिल्क सप्लाई एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का सप्लाई करते थे इट हैज़ बीन क्लोज इंडियन आर्मी हैज़ क्लोज इट्स मिलिट्री फार्म आफ्टर वन थर्टी टू ईयर ऑफ सर्विस सो जिन मिलिट्री फार्म थे उनकी टोटल सर्विस कितनी थी वन थर्टी टू ईयर्स सर्विस थी उनकी और वट आर द थिंग्स दट यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज यू नीड टू नो द्थ ऑफ यू नीड टू हैव डेप्थ ऑफ नॉलेज

फर्स्ट मिलिट्री फार्म कब रेज हुआ था दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर ये रेज हुआ था 1 नाइन को अलाहाबाद में अशोक शर्मा गुड गुड तो उन्होंने थोड़ा जो उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करने के लिए दे है उसको बंद करके या फिर गलत किया है तो यू नीड टू हैव गुड रीजनिंग एबिलिटी Post independence they flourished with 30,000 heads of cattle and one in 130 farms all over India. They were even established in Leh and Kargil. Ab Leh or Kargil may be established. The. These farms provided human service during 1971 war, supplying milk at Western and Eastern Hearts, Eastern Wars Front, as well as during the Kargil operations of Northern Command. So jo ye farms the, they played a very crucial role in the warlike situation. Hoti hai. जब जहां पे uh, जो डेयरी प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी सप्लाइड फ्रॉम सिविल एरिया तो ये दीज जो, जो थे इंडियन आर्मी के मिलिट्री फार्म्स थे दे प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल दैट टाइम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर वट इज दिस यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर वट इज दिस

नेक्स्ट पॉइंट वी हैव डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विस ऑफ लैंड रिकॉर्ड थ्रू द सिंगल विंडो शेयरिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड डेटा अक्रॉस डिपार्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेक होल्डर्स सो सब चीजें मोस्टली क्या होगी जब यूनिक नंबर बन जाएगा तो हर चीजें जो है लाइंड अप होगी एंड एक नंबर के बेसिस पे एवरी डिटेल वुड भी अवेलेबल ठीक है जैसे हमारा ये आधार कार्ड है एक आधार नंबर होता है पूरी डिटेल आ जाती है इसी इसी तरह से ये होगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर सिस्टम होगा लैंड पार्सल्स के लिए प्रॉपर लैंड एंड लैंड लैंड अकाउंटिंग थ्रू दिस सिस्टम विल आल्सो बी हेल्पफुल ठीक है तो लैंड बैंक लीड बेसिक जो बेसिक फंडा है इसका इसको लॉन्च करने का वो यही है कि एक नंबर के बेसिस पे वी कैन प्रोवाइड एंड वी कैन गेट एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट दी लैंड एरिया एंड अबाउट द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वी हैव इन एस सी अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल लॉ ऑन डिवोर्स एंड जो सुप्रीम कोर्ट में प्लीस्ट हुई है यूनिफॉर्म सिविल लॉ ऑन डिवोर्स एंड एलोमनी के अगेंस्ट वट इज दिसल्ड इन दी सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द्लेटेंट अटेप टू टेक अवे दंडामेंटल राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू प्रैक्टिस द रिलीजन इन दाइस ऑफ प्रोवाइडिंग अूनिफॉर्म लॉ अक्रॉस ऑल फेथस ठीक है देखते हैं वट इज दिस

Parties to it are allowed to impose conditions for regulating their matrimonial relations. Such conditions can be imposed before marriage or at time of marriage or even after the marriage. So bilko nahi hona ye. Next, an avenue for resolution of matrimonial dispute through meditation is also provided for under for under Islamic matrimonial jurisprudence. So basically, ye this is सिमिलर लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल लॉ होना चाहिए मुस्लिम वुमेन्स के लिए सो दट दे कैन टेक बेनिफिट फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स। ओके सो नाउ जो हमने करंट अफेयर्स अभी तक करी है उसकी उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है दे आर इन फ्रंट ऑफ यू आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रीजन न्यू स्पीशीज ऑफ लाइक एन इट बटरफ्लाई हैजीन डिस्कवर्ड हर किसी का यह सही होना चाहिए अगर किसी ने गलत दिया तो फिर यू डू नॉट है अशोक शर्मा गुड विवेक मिहिर अरज महेंद्र गुड लता वेर वर यू वाई आर यू रॉन्ग अब रिट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा So, right answer is Western Ghat. Very good. Next question we have Which organization has released the report titled Forest Governance by Indigenous and Tribal People? This is again very, very important question. Everyone, comment what is the right answer? Vivek Verma, good. Ashok, Mihir, good. Sonali, Sonali again. Where were you when I was describing about that news? Manu, Onam, Araj, good. Right answer is Food and Agriculture Organization has ne released Next, this is again very important. Abhi, abhi tha. What tolerance band has been decided by central government plus inflation rate, ke liye? plus minus 2%, plus minus 3%, plus minus 4%, plus minus... फाइव परसेंट एवरी वन जल्दी जल्दी थ्री सोनाली वे जब पढ़ाया जा रहा था कॉस्ट ऑफ गुड अराज गुड थर्ड का बताओ एवरी वन अशोक गुड मिहिर गुड गुड राइट आंसर इज प्लस माइनस टू परसेंट Next, what was the aim of formation of military farms? military farms the main motive. First option is supply hygienic cow milk, supply cow fat, supply vegetable and foods, both A and B. Fourth, ka, everyone. Vivek, good. Araj, good, good. Araj, very good. Sonali, good. Ashok, good. मोस्टली यू ऑल आर अवेयर किस चीज के लिए था सप्लाई काउस हाइजेनिक मिल्क नेक्स्ट वी हैव ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स द यूनिक आईडी विल बी प्रोवाइडेड अंडर दूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर टेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन क्या होगा इसका फिफ्थ का जल्दी जल्दी एवरी वन ashok good of good with Vij... araj good good you all are right good right answer is 14 so this was all about today's current affair class if you like the session you can subscribe to our channel and press the like button if you have any doubt you can ask me right now i'll be taking your doubt, then we'll be ending this session. or jinkabhi ssb interview lined up as jinhone vi, clear kia hai CDS one 2021. we would be starting ssb interview soon with Colonel kataria sir. so stay tuned with us. batch will be live on app as well as on the online ventures website. any doubts? good, ashok. yeah, you all, you, your all answers were right. thank you so much okay gentlemen and ladies ladies and gentlemen thank you so much for connecting with us till the time you guys take care and jahind जय हिंद क्या आप भी भारत माता की सेवा में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं क्या आपका भी सपना है इंडियन डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का अब आपके कंधे पर सितारों की जिम्मेदारी है हमारी ज्वाइन ऑनलाइन वेंचर्स डिफेंस नाउ।